दोस्तों, ये टाइल्स एंड सैनिटरी की शॉप है पूरी, तो इसको हम लोग ने बनाया है। तो इसके बारे में कुछ जानकारियाँ हम आपको दे देते हैं। यहाँ पर हमने क्या बनाया, किस चीज़ के यूज़ के लिए बनाया है, वो सभी चीज़ें बताएंगे। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कहीं भी सनमाइका वगैरह नहीं लगाई गई है। जैसे तो क्यों नहीं लगाई गई उसके बारे में बताएंगे। और यहाँ पर देखिए सनमाइका लगाई गई है और काउंटर बनाया गया है, तो इन सभी चीज़ों के बारे में बताएंगे। अगर आप टाइल्स सैनिटरी की शॉप वगैरह खोलना चाहते हैं तो डिस्प्ले वगैरह कैसे बनानी है, आपको टाइल्स वगैरह लगाने के लिए कैसे बनाना है, तो इस वीडियो में हम सारी बातों को आपको बताएंगे। तो सबसे पहले हम दिखा देते हैं, अगर हम एंट्री करें तो हमारे लेफ्ट साइड में जो है हमारा एक काउंटर आपको मिल जाता है। और यहाँ पर जो है आपको काउंटर मिलेगा लगभग 10 फीट का पूरा, और ऊपर साइड में जो पैलिंग की गई है वो लगभग 5 फीट की पैलिंग की गई है, पूरी 5x10 फीट की। तो यहाँ पर हमने इसको किस यूज़ के लिए किया है, यहाँ पर बेसिन रखने के लिए किया है। अभी हम इसकी जो पूरी फिटिंग होने के बाद में, टाइल्स वगैरह लगने के बाद में, सामान रखने के बाद में, इसकी पूरी वीडियो को फिर से हम डालेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा आगे की और भी वीडियोस को देखने के लिए इसके बारे में पूरी जानकारी। फिलहाल मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, यहाँ पर जो हमारी वेस्टर्न टॉयलेट आते हैं वो सभी रखे जाएंगे नीचे साइड में, और साथ में ऊपर साइड में जो हमारी बेसिन आएंगी, जितनी भी बेसिन होती हैं। इसके अलावा जो हमारी टोटी वगैरह होती हैं, फिटिंग्स वगैरह होती हैं, और मिरर वगैरह होते हैं, ग्लास मिरर हो गए, और शोकेस हो गए, बाथरूम में जो सेल्फ वगैरह लगती हैं, वो सभी हमारी इस पैलिंग की हुई जगह पर पूरी लगाई जाएंगी। अब बात करते हैं, यहाँ पर जो है हमारा ये वॉल दिया गया है पूरा, जो फ्लोटिंग सेल्फ है हमारी, यहाँ पर भी आप अपना बेसिन वगैरह रख सकते हैं। जो छोटी वाली 12 इंची 14 इंची की बेसिन आती है उसको रखेंगे। इसके साथ में ये जो पूरा दिया गया है इसमें सनमाइका नहीं लगाई गई है, तो इसमें जो है हम लोग टाइल्स वगैरह चिपकाएंगे। इसमें ये पूरा एरिया जो है पूरा 8 फिट का गया है ऊपर तक की, तो 2x2 फिट की 4 टाइल्स आएंगी एक में, पूरा ऊपर से नीचे तक में 2x2 फिट की 4 टाइल्स है, तो इसमें टाइल्स वगैरह चिपकाई जाएंगी। और साथ में ये हमारा काउंटर आ जाता है यहाँ पर बीच में। इसके अलावा आप दूसरी साइड में हम बताते हैं कि यहाँ पर जो है वो पूरा खाना दिया गया है 3 फिट का, ऊपर हाइट जो है वो 7 फिट की है, और चौड़ाई की बात करें तो 3 फिट की। इसमें कैबिन बनाए गए हैं 7x3 फिट के पूरे। इस जो कैबिन में है हमारा ये पूरा बाथरूम बनेगा, तो इसमें पूरी टाइल्स वगैरह लगेगी, जो बोर्ड है हमारा टाइल्स वगैरह चिपक जाएंगी। साथ में यहाँ पर जो है टोटी की फिटिंग्स वगैरह होती हैं वो सब लगेगी, लाइट वगैरह लगेंगी। और साथ में ये हमारा एरिया आ जाता है, फ्लोटिंग सेल्फ यहाँ पर भी लगी हुई है। और ये चीज़ जो हम लोगों ने बनाई हुई है ये आप देख रहे होंगे, और दोस्तों ये देख रहे हैं आप जो रखा हुआ है टी शेप में, उल्टा टी है, इसको हम लोगों ने बनाया है दो डिज़ाइन में। ये जो है एक 8 फिट का है पूरा, इसको बनाया यहाँ पर पेडेस्टल बेसिन रखा जाएगा, जो हमारा एक खड़ा बेसिन होता है पेडेस्टल, वो नीचे से ऊपर तक के रखा जाएगा इसमें पूरा। और एक ये 4 फिट का है, इसके अलावा एक इधर साइड भी है, तो यह चीज़ हम लोगों ने बनाई है पेडेस्टल बेसिन। तो ये लगभग वही 10 दिन में काम ख़त्म हो गया है यहाँ पर, पूरा पैलिंग किया है वहाँ से पूरा ये, तो इसमें लगभग 3 लोग रोज़ाना हम लोग काम करते थे, तो ये 10 दिन में हमारा ये काम पूरा कंप्लीट हुआ है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों इस तरह की और भी वीडियोस को देखने के लिए। अभी यहाँ का जो पूरा शोरूम है जो कंप्लीट हो जाएगा, टोटी वगैरह लग जाएंगी, मिरर वगैरह लग जाएंगे, साथ में ही जो बेसिन वगैरह हैं वो सभी जब सेट हो जाएगा तो हम इसकी और भी एक वीडियो को डालेंगे। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर लीजिएगा दोस्तों।